ऐसा आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके? बहुत बड़ा शब्द है, मतलब अंग्रेजी में तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आएगा, हिंदी में समझाता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई सरकारी नौकरी वाला इंसान हो तो प्लीज हाथ खड़ा कर देगा, मे भी वो नौकरी पेशा इंसान, प्लीज कर दे। है कोई जॉब वाला आदमी कोई भी? अच्छा सर, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने घरों में चारों तरफ देखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। एक इंसान 22 साल रगड़ा, समझते जाना सीन को, आंखों के सामने बनाते जाना, पूरी जिंदगी यही दिख जाएगी आपको। 22 साल पढ़ाई किया, पूरे के पूरे कितने साल? 22 साल। 22 साल पढ़ाई करने के बाद एक इंसान ने जीवन में फिर संघर्ष चालू किया, प्रोफेसर के रूप में, मान लो टीचर बन गए। क्या बन गए? टीचर बन गए। फिर 40 साल रगड़ा, 60 साल रगड़ा, 60वें साल में जब सर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, खून में उबाल कम हो जाएगा, घुटनों में दर्द आ जाएगा, तब सरकार बोलेगी निकल ले। सही बात है? जब सर को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, 60 साल संघर्ष किया जिस चीज के लिए, 60वें सबसे मजबूत साल में उसी चीज ने आपका साथ छोड़ दिया। सही बात है? जिस समय आपको लाइफ में ऐसी चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था कि जहां बच्चे आपका सम्मान करें, आपको सबसे कम सम्मान मिलता है। सही बात है? 60 साल जिन बीवी बच्चों के लिए आपने अपने आप को रगड़ दिया, मैं बता रहा हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे भी पिता देखे हैं कि जिन्होंने खुद के फटे जूते नहीं बदल पाए पर बेटे के लिए नया जींस ला दिया। सच में जिन माँ बाप ने अपनी उम्र में गाड़ी नहीं चलाया होगा, आप सभी लोगों के लिए उन्होंने बाइक ले ली। जब उन्होंने मोबाइल हाथ नहीं लगाया, उनको समझता नहीं होगा, पेट काट के भी आपके लिए मोबाइल ला दिया होगा। और जब 60 साल में पहुंचते हो, 70 साल में, तब आप उनको बोलते हो कि बुड्ढा कोई काम नहीं करता है, उसे पकाते रहता है। सच है गलत? जब आपको आपके दिन भी यही आएंगे और जो पीछे से आगे लोग बैठे उनके आने वाले हैं। जब आपको सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत थी, तब आपके हाथ में था ये कि जहां पर आप बेटों के आधुनिक हो गए, जहां पैसा वाला कम हो गया, जहां शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, और अब आप 60 साल काम करने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े गधे बने। सही है? तो अगर मैं बोलूं कि क्या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो जीवन के सबसे कठिन समय में 60 से 100 साल में भी आपको सम्मान की जिंदगी देता हो, तो कर रहे हो क्या? बोलो, नहीं है? चलो, दूसरा सवाल आपको मिल गया होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज ये मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में समझा रहा हूं आपको। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भाई साहब 15 दिन ऑफिस मत जाओ, आज 15 दिन ऑफिस मत जाओ, घर का चूल्हा चलेगा क्या? 15 दिन दुकान मत खोलो, घर का चूल्हा चलेगा क्या? 15 दिन जूस की दुकान मत लगाओ, घर का चूल्हा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब 15 दिन खेत मत जाओ, खेत कुछ देगा क्या? पर 15 दिन रामडाले सर अगर सियूनी में बेड पर भी पड़े रहकर अगर विशाल सर को फोन लगाए, उज्जवल सर को फोन लगाए, अपने तुलेश सर को फोन लगाए कि देखना भाई मैं थोड़ा बीमार हूँ, 3 सामान लेना, लाखों रुपए अपने आप आते। आईएमसी में 5 साल में 2 लाख रुपए महीने का पे आउट है, 2 लाख रुपए हर महीने, 1 साल के 24 लाख, 24 लाख, 2 साल के कितने? 48 लाख। इतना तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है जितना 40 साल का रहता है। समझ जाइए आईएमसी बिजनेस की पावर, इसकी पोटेंशियल। और ये पैसा हमेशा आगे बढ़ने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अकेले अगर सो भी गए तो 150 लोग जो सेशन के अंदर बोनस होने वाले, ये 2 दिन अगर गोल भी मार दिए तो क्या आप गोल मार दोगे 2 दिन? नहीं मारोगे। एक ऐसा बिजनेस जो हमेशा रोटेट होगा और एक से शुरू होते हुए लाखों लोगों में बदल गया है, और जीवन में जिस जैसे जैसे तिलते इनकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे एनर्जी घटेगी, वैसे वैसे इनकी टीम में लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनका पे आउट लाखों रुपए में बदलेगा। तो कौन सी जिंदगी चाहते हो? ऐसी है ना? बहुत